वन वर्सेस वन वैम्पायर वाइकी के साथ. Reloading. तो आपने वैसे उनको यूट्यूब पे तो देखा होगा जो कि बहुत ही फेमस है. Let's go. तो हमने उनके साथ वन वर्सेस वन किया है, जैसा कि आप लोग थंबनेल से तो पहचान गए होंगे और टाइटल में भी आप लोग देख के पहचान गए होंगे. तो मैंने उनको बहुत इतना बेला कि पता नहीं कितना बेला आइए आप देख कितना बेला मैंने उनके साथ वन वर्सेस वन किया. तो ये देखें काफ़ी जमी है, ये देखते हैं. तो मेरा बंदा ना ग्लेशियर के सामने वैसे ही मार खा जाता है और वैसे ही ग्लेशियर को देख के हमें डर ही बहुत लगता है. तो यहाँ देखें, यहाँ मैंने कहा नहीं बेटा नहीं, ऐसे तो नहीं होता, कुछ हमें भी थोड़ा बहुत खेलना आता है. तो अब देखते हैं क्या यहाँ पर. मैंने बड़ी ट्राई की ना बेटा ना, अभी हमें भी कुछ तो आता ही है खेलने, बट ग्लेशियर से जो डर लगता है ना वो असली लगता है. हमने बहुत ट्राई की है और हमने अच्छा खासा पहला, बट ऐसे तो नहीं बोलते वैम्पायर वाइटी को, बट जो ये कम्युनिटी करते हैं तीर करते हैं बंदे को सुन के मज़ा ही आ जाता है, जिसको बोलते हैं ना चस्प आ जाने वो आ जाती है. तो इन्होंने हमें पहला, बट हमने भी इन्हें बहुत पहला, बट ये तो हमें ऐसे पेल रहे थे शुरू शुरू में, तो हमने इनका बहुत अच्छा मुकाबला किया. अभी तो हमारा मुकाबला तो जा रहा है, देखते हैं यहाँ से. यहाँ पर अच्छा हमारे साथ प्रैंक होने लगा था लेकिन हम बच गए. अभी देखते हैं क्या होता है. अभी तक हमारा मुकाबला जारी था. यहाँ पर अभी वो घर से निकला ही नहीं था कि हमने उनको वापस भेज दिया कि भाई बेटा भाई घर जाओ, कुछ हमें भी खेलना आता है, हमने भी अपना नाम सानी ऐसे नहीं रखा. यहाँ पर तो अखीर ही कर दी उन्होंने हमारी ताकतें. ओ भाई क्या कर रहा हूँ मैं यार, ये ऐसे नहीं होता. मैंने इन्हें 90% डैमेज दिया बट आखिरी टाइम पे वो मुझे मार गया. यहाँ पर तो उन्होंने हमें बहुत पेला. तो भाई लोगों, आप लोगों को, आप लोग वैम्पायर वाइटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, तो यहाँ पर हमें भी कुछ प्यार दिखाइए थोड़ा बहुत, कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा और उनके साथ अच्छे अच्छे यूट्यूबरों के साथ हम वन वर्सेज वन करते रहेंगे और देखते रहेंगे. यहाँ पर मैंने डैमेज दे दिया बट देखते हैं अब क्या करते हैं वो. मैंने बड़ी ट्राई की बट उन्होंने आखिरकार ये देख दी, कहाँ से निकल के कहाँ पर मार देते हैं पता भी नहीं चलता. ये तो फिर भी मुकाबला जब कर रहे हैं हम. यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं, ऐसे तो नहीं आता यार. ये जो ग्लेशियर है ना खा जाती है, अगर हम इसी तरह करते रहे तो आखिरकार हार ही जाएंगे. देखते हैं क्या होता है. अच्छा जी यहाँ पर बैठे हो, मुझे नहीं पता था यार. भी आगे आगे देखते हैं क्या होता है. मैंने अपनी तरफ से इन्हें इतना पेल लेना यार, मैं नहीं खेल रहा, ये क्या होता है. तो ऐसे खेल रहे हैं जैसे कपड़ों का मशीन में नहीं धोया जाता परफेक्शन के साथ, वैसे खेली जा रहे हैं हमें. चलो हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी अभी ट्राई करते हैं इनको मारने की. मैं तो इनका बहुत बड़ा ही फैन हूँ, छोटे से बच्चे हो के इतना टैलेंट है. बट इन्होंने जो बकरी वाले को पहला है ना वीडियो में, अखीर पहला है. इनका जो एक्सेंट है ना मुझे बिल्कुल कराची का लगता है, इसलिए मैंने कराची वाले मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं उनका बिल्कुल एक्सेंट इस तरह है और जो कमेंट्री करते हैं सीरियस कमेंट्री करते हैं बंदे का, इनकी कमेंट्री सुन के ना दिल खुश हो जाता है. यहाँ पर यह हमें पहले ही जा रहे हैं एक तो थोड़ा सा भी रहम नहीं कर रहे. ये देखो इनकी जो मोमेंट है, अखीर मोमेंट है, बंदा देख के ही परेशान हो जाता है.
बट कुछ एक्सपीरियंस की भी कमी है, हमने बड़े बड़े लोगों के साथ खेला जो नहीं है। अभी थोड़ा आस्ते आस्ते खेलना स्टार्ट होंगे तो हमारी भी गेम बन जाएगी। हम भी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं बट थोड़ा सा एडवांटेजेस मुझे लगता है थ्री फिंगर का भी लगता है, क्योंकि वो थ्री फिंगर खेलते हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ टू फिंगर खेलता हूँ। बट मैंने भी कोशिश की थ्री फिंगर की बट मेरे से बिल्कुल भी नहीं खेल रहा। मेरे से ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे तो खेलना ही नहीं आता, खेलना ही भूल गया। फिर मैंने कहा भाई अपनी औकात पे आ जाओ, भाई टू फिंगर ही सही है, वरना हम तो ऐसे मरेंगे जैसे जिनकी फौज कमज़ोर होती है और वैसे मरते हैं जैसे नहीं। यहाँ पर मैंने बहुत मार खा ली तो मैंने कहा चलो अब कुछ ट्राई करते हैं उनको ऐसा मारने की कि उनको भी पता चले कि भाई कोई प्लेयर खेल रहा है सामने से। यहाँ पर अब वो जीरो HP हो चुके हैं, अब देखते हैं अटैकर कहाँ पर गए। ठुक्कर जी, हमने भी मार लिया उन्हें, तो अभी देखते हैं वो क्या करते हैं। एक तो ये जिगल है ना उनका, फिर जिगल करें तो बंदा कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो ये पीक एंड क्राउच करते हैं ना ये बंदे को मार दिया जाता है। चलो इसका भी हम कोई हल निकाल लेंगे। मैं तो भाई एक इंडिया के प्लेयर का फ़ैन था जो टू फिंगर खेलता था, मैंने उसको देख के करता गया, लेकिन अभी भी कुछ इम्प्रूवमेंट होना बाकी है। यहाँ पर तो यार ये पहले ही जा रहे हैं, हमें पहले ही जा रहे हैं, देखो हमारा क्या बनता है। शुक्र है कि हमने भी मारा उन्होंने, बट अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम उनके करीब पहुँच सकते हैं, उन्होंने मार सकते हैं। यहाँ पर मैंने उन्हें अच्छा पहला, बट जब से वो XR पे शिफ्ट हुए ना उनकी गेम पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। उनके लिए देखते हैं अच्छे अच्छे प्लेयर को धो रहे हैं। Reloading. तो यहाँ पर इंटेंस क्या है बता हुआ, यहाँ पर मैंने गलती कर दिया, वो छोड़ेंगे नहीं मुझे यार। एक तो ये जिकल खा जाता है और एक तो जो ग्लेशियर की बर्फ़ निकलती है ना बंदा वैसे ही अंधा हो जाता है, बंदा उससे डर जाता है कि मतलब पता नहीं कैसा खतरनाक प्लेयर है। अब ये देखिए कितनी गंदी स्लाइड मारी है और बंदे का पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाए। यहाँ पर डैमेज हो चुके हैं, अब देखें मुझे मार। अच्छा हमारे साथ प्रैंक होने जा रहा था और AWM के साथ, शुक्र है बच गए। यहाँ पर आते हुए मुझे पता था, उन्हें पहले ही पता कि यहाँ पर उन्हें मारना है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने ओपन में आ गया पर मैंने फ्री का मुफ्त का ले लिया और देखो उन्होंने हमें छोड़ा ही नहीं। सानू भी मारन दे थोड़ा जा, तो अभी देखते हैं वो क्या करते हैं हमारे साथ। पेलम पंप स्टार्ट है तो मामा मर जा, सानू तो कुट्टी खड़ा दो था। Killing spree for the red team. यार ये तो जादूगर लगता मैनू, तो वैम्पायर वाइटी नाम रखे हुआ था, जादूगर ही लगता वैम्पायर तो सानू मार के ओ जाता पाया। हाँ हाँ मुझे पता था डैमेज हो, मैंने कहा कि एक गोली तो मार ले लेंगे जितनी मर्जी हमें लग जाए, फिर भी हमारी वेस्ट तो खा गए। तो जाने से पहले मैं आप लोगों को यही बात करूँगा कि हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, और जब मेरे इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर तकरीबन मेरे 300 थे तो तकरीबन पूरे होने वाले हैं, तो जब 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो एक या दो दिन तक मैं गिव अवे रखूँगा सीज़न 17 के 2 रॉयल पास, जो कि हम अपने सब्सक्राइबर्स को देंगे, या फिर मैं एक दो दिन तक एक लाइव स्ट्रीम करूँगा जिसमें मैं लाइव लोगों को
सेलेक्ट करूँगा और हम दो लोगों को रॉयल पास देंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो को एंजॉय करते रहिए और भी लोगों की वीडियो को एंजॉय करते रहिए। तो अल्लाह हाफिज़।